हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का पार्ट टू करेंगे। तो हम पार्ट वन में पॉलीगॉन्स, कितने प्रकार के पॉलीगॉन्स, ऑर्नामेंट्स ऑफ पॉलीगॉन्स, डायगोनल्स, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, ये सारा कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट टू में अब हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो आज हम शुरू करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल इज ए सिंपल प्लेन क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट। मतलब जो पॉलीगन फोर लाइन सेगमेंट से बना होगा तो हम उसे कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो इसका डेफिनेशन कैसा होगा, देखो, इट इज ए सिंपल प्लेन क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट्स। देखो, क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, इट इज ए प्लेन, मतलब प्लेन सरफेस के ऊपर हम उसे बना पाएंगे। सिंपल होगा मतलब वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेगा। क्लोज्ड होगा मतलब वो चारों तरफ से बंद होगा। एंड मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट, मतलब जो फोर लाइन सेगमेंट से बना होगा हम उसे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। इसका और एक डेफिनेशन भी हो सकता है, जैसे ए पॉलीगन मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट, या ए क्लोज्ड पॉलीगन मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट। जो पॉलीगन फोर लाइन सेगमेंट से बना होगा हम उसे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो उसका कुछ फिगर बना पाएंगे हम यहाँ पे। देखो, जैसे यह एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसका फोर साइड्स है, फोर कॉर्नर्स है, यह क्लोज्ड है, प्लेन सरफेस के ऊपर बना है, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। और कुछ एग्जांपल ले लेंगे हम, यह भी एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, यह भी एक क्वाड्रिलेटरल होगा। दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। नेक्स्ट देखेंगे हम फैक्ट्स अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब क्वाड्रिलेटरल का क्या क्या पार्ट्स है, फैक्ट्स। देखो, अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल होगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो मान ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसका नेमिंग कर लेता हूँ मैं ए बी सी डी। जैसे हमने पॉलीगन में पढ़े थे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इट इज मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट, तो ये जो फोर लाइन सेगमेंट है क्या हो गया, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया एंड डी ए हो गया, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल का साइड्स। तो हम लिखेंगे अभी साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। साइड्स क्या क्या हो गया, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, दीज आर दी फोर साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब उसका एंगल देखेंगे हम। देखो, एंगल कितना है यहाँ पे, चार एंगल फॉर्मेशन हो रहा है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, मतलब इसका इंटीरियर एंगल चार बन रहा है। वो एंगल क्या हो गया, ए बी सी एंगल मतलब बी एंगल का, बी सी डी एंगल मतलब सी एंगल का, सी डी ए एंगल मतलब डी एंगल का एंड डी ए बी एंगल मतलब एंगल ए का। तो हम कैसे लिखेंगे इसे एंगल्स, देखो एंगल्स हो गए, एक एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया एंड एंगल डी हो गया, चार एंगल है उसका। अब उसका वर्टेक्स देखेंगे हम, वर्टिसेस, वर्टिसेस कितना होगा, वर्टिसेस मीटिंग पॉइंट ऑफ द टू लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट का जो मीटिंग पॉइंट होगा उसे हम वर्टेक्स कहेंगे। जैसे यहां पर डी, डी एक वर्टेक्स है, सी एक वर्टेक्स है, बी एक वर्टेक्स है एंड ए एक वर्टेक्स है,
तो मैंने क्या कहा, द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू लाइन सेगमेंट। देखो यहाँ पे डी सी एक लाइन सेगमेंट है, ए डी एक लाइन सेगमेंट है, ये दोनों का मीटिंग पॉइंट डी है, मतलब डी एक वर्टेक्स है। इसी तरह यहाँ पे चार वर्टेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, तो वर्टेक्स ए, वर्टेक्स वी, वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स डी। देयर आर फोर वर्टेक्स इन क्वाड्रिलेटरल्स। नेक्स्ट देखेंगे हम उसका एडजेसेंट साइड्स एंड एडजेसेंट वर्टेक्स। देखो एडजेसेंट साइड्स क्या था, देखो मैंने कहा था जब पॉलीगन हम पढ़ रहे थे कि डीसी का एडजेसेंट साइड्स क्या होगा, बीसी भी होगा एंड एडी भी होगा। बीसी का एडजेसेंट साइड्स डीसी भी होगा एंड एबी भी होगा। एबी का एडजेसेंट साइड्स बीसी होगा, एडी होगा। तो हम इस तरह लिख पाएंगे उसका एडजेसेंट साइड्स एंड एडजेसेंट वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होगा, डी का एडजेसेंट वर्टेक्स सी होगा एंड डी का एडजेसेंट वर्टेक्स ए भी होगा। सी का एडजेसेंट वर्टेक्स डी होगा एंड बी भी होगा। बी का एडजेसेंट वर्टेक्स ए होगा एंड सी भी होगा। ये हम पॉलीगन में अच्छी तरह से उसके कवर अप किया है, वहां पे देख लेना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट हम अभी देखेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, मतलब चार लाइन सेगमेंट जो क्लोज्ड फिगर बन रहा है, यहाँ पे जो चार एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, इनका सम क्या है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टीज देखो, एंगल सम प्रॉपर्टीज क्या है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एंड द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स। तो एक एक करके हम देखते हैं, पहले उसका जो इंटीरियर एंगल है उनका टोटल सम कितना होगा, चारों एंगल का सम टोटल कितना होगा। देखो तो यहाँ पे जो रूल्स कहा था मैंने पॉलीगन्स में क्या था कि हाउ टू फाइंड आउट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, उसके लिए एक रूल था, जनरल रूल्स, वो क्या था, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री इंटीरियर एंगल का, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन मतलब एनी पॉलीगन, उसका कितना भी साइड हो। तो n यहां पे क्या था, n इक्वल टू नंबर्स ऑफ साइड, n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड, कितना साइड होगा वो क्वाड्रिलेटरल का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। तो देखो यहाँ पे पुट करो n का वैल्यू, यहाँ पे कितना साइड से है, n इक्वल टू हमें मिल रहा है यहाँ पे n इक्वल टू 4। अगर n इक्वल टू 4 है, नाउ पुट 4, तो 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 4 माइनस 2 2 इंटू 180 डिग्री, 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब The sum of angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 degree। हम लिखेंगे angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 degree। ये हो गया interior angle properties। Exterior angle properties क्या था, मैंने polygon में भी कहा था कि कोई भी पॉलीगन हो, चाहे उसका साइड 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसका साइड, बट उसका जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, फॉर्मेशन होगा, उनका शाम ऑलवेज 360 डिग्री ही होगा। तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे, ये हो गया आपका इंटीरियर एंगल, ये हो गया इंटीरियर एंगल। अब देखेंगे हम एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या है, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। अगर एनी पॉलीगन हो गया, एनी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है, मतलब इसका भी जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्मेशन होगा उनका सम 360 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल,
काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल का प्रकार क्या क्या है, कुछ उनका स्पेसिफिकेशन है। अगर उनका स्पेसिफिकेशन हम करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स एंगल एंड इट्स साइड, अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स एंड एंगल, अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स एंड एंगल्स, मतलब जब क्वाड्रिलेटरल का हम स्पेसिफिकेशन करेंगे या उनका जो टाइप्स देखेंगे तो वो हो जाएगा उनका अकॉर्डिंग टू इट्स साइड के अनुसार और या एंगल के अनुसार हम कैटेगराइज कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल को। देखो पहले हम देखेंगे ट्रापीजियम, ट्रापीजियम क्या है, देखो व्हाट इज ट्रापीजियम। तो ट्रापीजियम मतलब ये एक क्वाड्रिलेटरल, क्या क्वाड्रिलेटरल ही है ट्रापीजियम, एक क्वाड्रिलेटरल ही है। तो उनका स्पेसिफिकेशन क्या है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हम लिखेंगे एक क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देखो मतलब जो क्वाड्रिलेटरल का उसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा तो हम उसे ट्रापीजियम कहेंगे। देखो उसका फिगर कैसे बनेगा, देखो ये जो फिगर बन रहा है, नेमिंग कर लेता हूं उसे ए बी सी डी। देखो ये जो फिगर या ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, नाउ ए बी इज पैरेलल टू डी सी, AB इज पैरेलल टू DC, मतलब इसका जो AB का जो ऑपोजिट साइड है DC वो AB के साथ पैरेलल है। मतलब मैं लिख पाऊंगा यहाँ पे AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC, मतलब वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया और बाकी जो दो ऑपोजिट साइड्स है AD, AD एंड BC, दीज आर नॉन पैरेलल साइड्स, मतलब वो पैरेलल नहीं होगा। देन दिस टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड योर ट्रापेजियम, क्या है ट्रापेजियम। और क्या है यहां पे देखो, अगर एक ट्रापेजियम में दो पैरेलल, मतलब वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया, उसके बाद अगर एक ट्रापेजियम में जो एडी है एडी इक्वल टू बीसी होगा, अगर एक ट्रापीजियम में उसका एक ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगा और दो नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो गया, मतलब मैं लिख पाऊंगा यहाँ पे AD इक्वल टू अगर BC हो गया, AD इक्वल टू अगर BC हो गया, देन दिस टाइप ऑफ ट्रापीजियम इज कॉल्ड योर आइसोसेलेस ट्रापीजियम, क्या कहेंगे हम आइसोसेलेस ट्रापीजियम। नेक्स्ट हम देखेंगे काइट्स, देखो काइट्स क्या है, काइट्स क्या है काइट्स इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटरल। तो इसका जो फीचर है वो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग adjacent sides are equal, adjacent sides are equal, मतलब अगर उसका adjacent sides, मतलब हम उसे कह पाएंगे यहां पे pair of adjacent sides are equal, pair of adjacent sides are equal, then this type of quadrilateral is called your kite। इसका figure कैसा बनेगा देखो, पहले figure कैसा बनेगा, देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। यहां पे क्या है देखो, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल,
मतलब देखो ए बी का एडजेसेंट साइड बी सी, मतलब ये दोनों इक्वल होगा यहाँ पे, एंड ए डी का एडजेसेंट साइड हो गया सी डी, तो ये दोनों इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. अगर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगा देन हम उसे कहेंगे काइट. तो हम अभी उसे लिख पाएंगे यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी एंड ए डी इक्वल टू सी डी. ये दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. और क्या है उनका जो डायगोनल होगा, उनका जो डायगोनल होगा दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे, दो डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे यहां पे वो परपेंडिकुलर में इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब 90 डिग्री एंगल फॉर्मेशन होगा यहां पे. मतलब हम लिख पाएंगे डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और क्या है यहां पे देखो, और इसमें होगा वन ऑफ द डायगोनल अ बाइसेक्टर ऑफ अदर, बाइसेक्टर ऑफ अदर डायग्राम. मतलब क्या है देखो, यहां पे दो डायगोनल बन रहा है, लेट इट बी उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट या उनका जो मीटिंग पॉइंट है लेट इट बी ओ. देखो यहां पे ए सी एंड बी डी आर टू डायगोनल्स, एंड यहां पर डायगोनल्स और परपेंडिकुलर टू इच अदर, मतलब यहां पे 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है. और क्या है वन पेयर ऑफ द डायगोनल्स, मतलब एक जो डायगोनल्स है उसका वन ऑफ इट्स डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर बाय द अदर डायगोनल्स. मतलब ये जो बड़े वाला डायगोनल दिख रहा है तुम्हें बी डी, तो ये बी डी ए सी को बाइसेक्ट करेगा, मतलब उसे इक्वली टू पार्ट में डिवाइड कर लेगा. मतलब हम लिख पाएंगे यहाँ पे ए ओ इक्वल टू सी ओ, हम लिख पाएंगे यहाँ पे ए ओ इक्वल टू सी ओ, बाइसेक्ट करेगा उसको एक डायगोनल को. नेक्स्ट हम देखेंगे पैरेललोग्राम क्या है. देखो पैरेललोग्राम, देखो पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब द क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. मतलब क्या है देखो, उसका फिगर कैसा बनेगा देखो, देखो ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है. तो अगर पैरेललोग्राम है ये, तो उसका जो ऑपोजिट साइड है, तो ऑपोजिट साइड मतलब ए बी का ऑपोजिट साइड डी सी एंड ए डी का ऑपोजिट साइड बी सी, तो ये दोनों ऑपोजिट साइड सर पैरेलल होगा. मतलब इनके बीच में डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा और इन दोनों के बीच में हमेशा डिस्टेंस इक्वल ही होगा. तो हम लिखेंगे यहाँ पे एज इट इज ए पैरेललोग्राम, तो हम उसे लिख पाएंगे ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी होगा. मतलब पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. और उनका क्या फीचर है देखो, पहले देख लेते हैं उनका जो एंगल्स, कितने एंगल्स फॉर्मेशन हो रहा है, चार एंगल है, एंगल बी एंगल सी एंड एंगल डी.
ठीक है। तो ये जो एंगल्स बन रहा है यहाँ पे, ए का ऑपोजिट एंगल्स क्या है, दी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए इज सी, ए का ऑपोजिट एंगल सी है एंड डी का ऑपोजिट एंगल्स बी है। इन केस ऑफ पैरेललोग्राम दी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल मतलब हम लिख पाएंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑपोजिट एंगल आर पैरेलल, सॉरी ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो इक्वल होगा, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। नेक्स्ट क्या है देखो, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल मतलब क्या है, डी का एडजेसेंट एंगल सी है, डी का एडजेसेंट एंगल ए भी है, मतलब डी का एडजेसेंट एंगल ए एंड सी, सी का एडजेसेंट एंगल डी भी होगा बी भी होगा, बी का एडजेसेंट एंगल ए भी होगा सी भी होगा। तो एडजेसेंट एंगल का थ्योरी क्या कह रहा है पैरेललोग्राम में, देखो द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, मतलब क्या है देखो, सप्लीमेंटरी मतलब क्या है, द सम ऑफ टू एंगल, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री देन दिस टू एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। अगर एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंटरी है तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, मतलब हम लिख पाएंगे एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री होगा एंड एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, मतलब सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंटरी। नेक्स्ट क्या है, यहां पे जो डायगोनल बनेगा फॉर्मेशन होगा, दो डायगोनल, एक हो गया एसी एंड एक हो गया बीडी, दो डायगोनल फॉर्मेशन हो रहा है। तो डायगोनल्स का प्रॉपर्टीज क्या है, द डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, हम लिख पाएंगे यहां पे डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब क्या है देखो, जो डायगोनल बन रहा है यहां पे वो बाइसेक्ट होगा, मतलब इक्वली टू पार्ट में डिवाइड हो पाएगा, मतलब ए वो इक्वल टू सी वो एंड डी वो इक्वल टू बी वो, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है यहां पे, मतलब हम लिख पाए यहां पे ए वो इक्वल टू सी वो, ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट हो गया, मतलब ये उसका मिड पॉइंट है, ये डायगोनल का ये मिड पॉइंट है, मतलब ए वो इक्वल टू सी वो। और क्या है, हम लिख पाएंगे डी वो इक्वल टू बी वो, डी वो इक्वल टू बी ओ, मतलब ये डायगोनल का जो मिड पॉइंट वो पे है, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है। तो ये हो गया पैरेललोग्राम का कुछ फीचर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सम स्पेशल पैरेललोग्राम, सम स्पेशल पैरेललोग्राम मतलब पैरेललोग्राम हम पढ़ चुके हैं, तो अगर उनका कुछ प्रॉपर्टी चेंजेस होगा तो उनका नेमिंग अलग अलग हो जाएगा वो पैरेललोग्राम का। कैसे है देखो, पहले हम पढ़ेंगे सम स्पेशल पैरेललोग्राम, सम स्पेशल पैरेललोग्राम, देखो पहला स्पेशल पैरेललोग्राम क्या है तुम्हारा, रंबस, रंबस क्या है, रंबस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, मतलब इट इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, इट इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन व्हिच
फोर साइड्स आर इक्वल, फोर साइड्स आर इक्वल मतलब क्या होगा? देखो रंबस, देखो ये एक फिगर हो गया, नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। देखो फोर साइड्स आर इक्वल होगा मतलब ए बी इक्वल टू बी सी एंड बी सी इक्वल टू सी डी, सी डी इक्वल टू डी ए होगा एंड नो ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री। उसका कोई भी एंगल, कुछ भी एंगल या एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, मतलब नो एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर 90 डिग्री। हम लिख पाएंगे अभी यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी एंड इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए होगा। और ये पैरेललोग्राम है मतलब अपोजिट साइड से पैरेलल होगा, मतलब ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी ही होगा। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम ही है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे जो उनका डायगोनल्स है, डायगोनल्स ऑफ ए रंबस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्मेशन होगा एंड वो बाइसेक्ट भी होगा। मतलब हम लिख पाएंगे अगर उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो होगा यहाँ पे, तो हम लिख पाएंगे बी ओ इक्वल टू डी ओ एंड ए ओ इक्वल टू सी ओ। तो हम लिख पाएंगे डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर में बाइसेक्ट होगा, मतलब 90 डिग्री फॉर्मेशन होगा एंड बाइसेक्ट ही होगा, इक्वल टू पार्ट में हाँ वो डिवाइड हो पाएगा। मतलब ए वो इक्वल टू सी वो, ए वो इक्वल टू सी वो होगा एंड बी वो इक्वल टू डी वो होगा, बी वो इक्वल टू डी वो होगा। और क्या है देखो, ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, हम लिख पाएंगे यहां पे बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी होगा, परपेंडिकुलर में बाइसेक्ट करेगा इनका दो डायगोनल्स। नेक्स्ट देखेंगे हम रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल ये सब पता है तुम्हें रेक्टेंगल के बारे में, तो देखो रेक्टेंगल क्या है? इट इज ए स्पेशल पैरेललोग्राम, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, इट इज ए पैरेललोग्राम इन व्हिच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। और एवरी एंगल वो रेक्टेंगल का एवरी एंगल 90 डिग्री होगा, तो उसका फिगर सब पता है तुम्हें। देखो एक रेक्टेंगल बन गया, मान लो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये जी टीज पैरेललोग्राम मतलब ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ये जी टीज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या था? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल मतलब ये पैरेलल होगा एंड इक्वल भी होगा, मतलब ए बी इक्वल टू डी सी होगा एंड ए डी इक्वल टू बी सी होगा। हम लिख पाएंगे साइड में उसका ए बी इक्वल टू सी डी होगा एंड ए डी इक्वल टू बी सी होगा, एंड उनका जो एंगल होगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, मतलब इनका जो चारों एंगल बन रहा है ये चारों एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होगा। मतलब हम लिख पाएंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी
इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ईच एंगल उसका 90 डिग्री होगा। और नेक्स्ट क्या है देखो, उनका जो डायगोनल बनेगा, जो डायगोनल फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, द डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, इक्वल लेंथ होगा डायगोनल, मतलब AC इक्वल टू BD होगा एंड ये बाइसेक्ट भी होगा। मतलब अगर उनका एक मीटिंग पॉइंट यहाँ पे हम नेमिंग कर लेंगे O, तो हम कह पाएंगे AO इक्वल टू CO इक्वल टू DO इक्वल टू BO। मतलब हम पहले लिखेंगे जो उनका डायगोनल है AC इक्वल टू BC, मतलब डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। तो क्या हो गया डायगोनल्स, मतलब AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD होगा एंड डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। मतलब क्या है, इनका जो मिड पॉइंट बनेगा यहाँ पे, जो बाइसेक्टर होगा, मतलब जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पे ईच डायगोनल्स बाइसेक्ट हो जाएगा, मतलब इक्वली टू पार्ट में वो डिवाइड हो पाएगा, मतलब ए वो इक्वल टू सी वो होगा, डी वो इक्वल टू बी वो होगा। एज दीज टू डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब ए वो इक्वल टू बी वो इक्वल टू सी वो इक्वल टू डी वो होगा। तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे ए वो इक्वल टू सी वो इक्वल टू बी वो इक्वल टू डी वो, मतलब डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट हो गया उसका जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल जैसे डी का एडजेसेंट एंगल सी एंड डी का एडजेसेंट एंगल ए बी है, मतलब एडजेसेंट एंगल सर सप्लीमेंटरी होगा। हम लिखेंगे यहां पे एडजेसेंट एंगल सर सप्लीमेंटरी, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, मतलब क्या है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, मतलब एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये चैप्टर 3 मतलब अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल ये कवर अप हो गया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ये होमवर्क है, इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू।